हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि बेस्ड हैं आपका रिस्पायरेशन पे। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन O2 इज यूटिलाइज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीजन जो है इसका ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज किस टाइप से करते हैं? फोर ऑप्शन दे रखे हैं। डायरेक्टली ब्रेक डाउन ऑफ द न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स, तो ये डायरेक्टली ब्रेक डाउन नहीं करते हैं। इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन जो है ये आपका इनडायरेक्टली जो न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स हैं इनको ब्रेक डाउन करती है। फॉर एग्जांपल जैसे ग्लूकोज है, तो इसके लिब्रेशन से जो एनर्जी है वो डिराइव करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इज ब्रीथ थ्रू। अब एयर ब्रीथिंग का जो पैसेज है उसको दे रखा है, तो सबसे पहले आता है आपका नॉस्ट्रिल, मुंह से भी पहले नॉस्ट्रिल आ जाता है, नॉस्ट्रिल, देन फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वियोलाई। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा आप चेक कर लीजिएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एट विच थोरेसिक वर्टिब्रा डज ट्रेकिया डिवाइड इंटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। कहाँ पर जो कौन सा थोरेसिक वर्टिब्रा है जहाँ पर आपका जो ट्रैकिया है वो राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में डिवाइड होता है? तो इसमें जो आपका फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा है यहाँ से आपका जो ट्रैकिया है डिवाइड होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिफ्थ वर्टिब्रा। नेक्स्ट है, लैरिंग्स इज प्रेजेंट इन बिटवीन। लैरिंग्स किसके बीच में प्रेजेंट रहता है? तो लैरिंग्स जो है फोर ऑप्शन दे रखे हैं, एपिग्लॉटिस एंड ग्लॉटिस नहीं होगा, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई ये भी नहीं होगा क्योंकि ट्रैकिया से तो ऊपर ही रहता है, एपिग्लॉटिस एंड ट्रैकिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एपिग्लॉटिस एंड ट्रैकिया, इनके बीच में आपका जो लैरिंग्स है साउंड बॉक्स जिसको बोलते हैं ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रिक्शन ऑन द लंग्स सरफेस इज रिड्यूस्ड बाई। जो लंग्स है इसकी सरफेस को फ्रिक्शन से कौन प्रोटेक्ट करता है? डबल लेयर्ड प्लीरा, फोर ऑप्शन दे रखे, फर्स्ट है आपका डबल लेयर्ड प्लीरा। तो जो प्लीरल लेयर होती है ये डबल लेयर होती है क्योंकि सिंगल लेयर नहीं होती, ये डबल लेयर्ड होती है और इनके बीच में दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं प्लीरल फ्लूड। तो ये आपका फ्रिक्शन से प्रोटेक्ट करती है लंग्स को। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, रिस्पायरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम कंप्राइजेस। तो जो आपका एक्सचेंज पार्ट है फोर ऑप्शन दे रखे, लंग्स एंड प्लूरल मेम्ब्रेन, एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स। जो एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई के थ्रू होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग ब्रीथिंग। अब कौन सा जो प्रोसेस है ये फिनोमेना है जो आपका ब्रीथिंग में कंसीडर नहीं होता है? ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर, नेक्स्ट है वॉर्म्स अप द एयर, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जो है ये आपका एक प्रकार से फिजिकल फिनोमेना है और ये कंसीडर नहीं होता है आपका ब्रीथिंग में। राइट आंसर ऑप्शन सी, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। नेक्स्ट है, मेंशन ऑफ सॉरी मूवमेंट ऑफ द एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय। जो एयर का मूवमेंट होता है इन और आउट ऑफ द लंग्स वो किसके थ्रू होता है? इम्बिशन, प्रेशर ग्रेडियंट, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, प्रेशर ग्रेडियंट। नेक्स्ट है, इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय। तो किसके थ्रू इनिशिएटेड? एक्सटेंशन ऑफ द डायफ्राम नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम होगा, एक्सटेंशन ऑफ द लंग्स, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द लंग्स। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, द एल्वियोलर एपिथीलियम ऑफ इन द लंग्स इज, जो एल्वियोलर एपिथीलियम है इन द लंग्स में वो किस टाइप का होता है?
फोर ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, नॉन सीलिएटेड कॉलमनर, नॉन सीलिएटेड स्क्वामस, सीलिएटेड, तो सीलिएटेड तो नहीं होगा, सीलिएटेड वाले ऑप्शन आप पहले क्रॉस कर दें। अब बचा नॉन सीलिएटेड कॉलमनर और नॉन सीलिएटेड स्क्वामस, चूँकि ये बहुत फाइन बहुत थिन होता है तो ये आपका हो जाएगा नॉन सीलिएटेड स्क्वामस एपिथेलियम। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द डायफ्राम बिकम्स, जब एक्सपायरेशन होता है तो डायफ्राम जो होता है वो आपका डोम शेप्ड हो जाता है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एल्वियोलाई इन द लंग्स टेक्स प्लेस बाय, जो एक्सचेंज होता है गैसेस का एल्वियोलाई जो लंग्स में होते हैं ये किसके थ्रू होता है, टेक्स प्लेस बाय, तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, फोर ऑप्शन दे रखे हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस। इन ब्रीथिंग मूवमेंट्स एयर वॉल्यूम कैन बी एस्टिमेटेड बाई, ब्रीथिंग मूवमेंट्स में जो एयर वॉल्यूम है ये आपका एस्टिमेटेड करी जाती है थ्रू स्पायरोमीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्पायरोमीटर। नेक्स्ट है, द स्पायरोमीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर, अब स्पायरोमीटर कौन सी एयर को मूवमेंट नहीं कर सकता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो जो रेजिडुअल वॉल्यूम है जो आफ्टर फोर्सेबल एक्सपायरेशन कुछ एयर जो है हमारे लंग्स में रहती है जो कि जिसको हम फोर्सेबल फॉर्म में भी उसको आउटसाइड नहीं कर सकते हैं वो रहती ही है, तो ये कहलाती है आपका रेजिडुअल वॉल्यूम जिसको हम किसी भी तरीके से बाहर नहीं निकाल पाते हैं, तो इसको स्पायरोमीटर के थ्रू हम मेजर नहीं कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी, रेजिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टिश्यूज टू रिस्पायरेटरी सरफेस बाय ओनली, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लाज्मा एंड एरिथ्रोसाइट्स बोथ होगा। नेक्स्ट है, विच वेन कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड, अब वेन्स है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये आपका हो जाएगा पल्मोनरी, वैसे तो वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड लेकिन जहाँ पल्मोनरी वर्ड आ जाता है तो रिवर्स हो जाता है, राइट आंसर ऑप्शन डी, पल्मोनरी वेन। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज, तो ये हमेशा होता है आपका सिग्मॉइड। हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स इन वन मिनट, अब जो हेल्दी ह्यूमन है ये आपका एक मिनट में लगभग 12 से 15 टाइम ब्रीथ करता है हेल्दी जो ह्यूमन है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलस कैपिलरी, तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है इसमें एल्वियोलस कैपिलरी इसमें कितनी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थ्री होती हैं आपका, एक तो होती है स्क्वामस एपिथीलियम ऑफ एल्वियोलाई और सबसे नीचे जो आपका होती है या एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलाई और इनके बीच में आपका कुछ सब्सटेंस फिल्ड होता है बेसमेंट जिसको सब्सटेंस कहते हैं, तो ये थ्री लेयर्स होती हैं, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन द ब्लड इज, जो सॉल्युबिलिटी है CO2 की ब्लड में वो अगर ऑक्सीजन से इसका कंपैरिजन लिया जाए तो 20 टाइम्स ये फास्टर होती है, यानी आपका ऑक्सीजन के कंपैरिजन में आपका ये 20 से 25 टाइम हायर देन दैट ऑफ O2 और लगभग कार्बन मोनोऑक्साइड से ये 200 टाइम्स, यानी एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स जिस समय जितने टाइम में बाइंड करेगा उतने में आपके 20 का CO2 और लगभग 200 कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर जाएंगे। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन ऑफ क्लोराइड आयंस फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी एंड कार्बोनेट आयंस फ्रॉम आरबीसी टू प्लाज्मा, तो ये प्रोसेस आपका कहलाता है क्लोराइड शिफ्ट। नेक्स्ट है,
बोहर्स, व्हाट इज बोहर्स इफेक्ट, बोहर्स इफेक्ट क्या है? इसमें आपके फोर ऑप्शन दे रखे हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, अराइज इन लेवल्स ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और फॉल इन pH डिक्रीज द ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ब्लड डू नॉट बिकम एसिडिक ऑल्दो इट कैरी CO2 बिकॉज, तो ब्लड डू नॉट बिकम एसिडिक ऑल्दो इट कैरी CO2 बिकॉज, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इन CO2 ट्रांसपोर्ट बफर्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट है जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, CO2 इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन एज, फोर ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बो एमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जो आपका CO2 है वो कैरिट करती है, राइट आंसर ऑप्शन बी। ये थे इंपॉर्टेंट MCQs जो कि बेस्ड थे आपके रिस्पिरेशन पे। थैंक यू।